हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर मिस्ड कॉल नहीं दिखा रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। और अब नीचे आकर फ़ोन वाले ऐप को खोजना है जिससे फ़ोन लगाते हैं। तो यहाँ पर ऐप आ चुका है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कोई नंबर भी डिलीट नहीं होगा। तो अब हम बैक आते हैं। अब यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशंस या नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऊपर चेक करना है। अगर ये ऑप्शन बंद रहेगा तो इस ऑप्शन को चालू कर देना है। देखिए हमारे फ़ोन में पहले से ही चालू है। इतना चेक करने के बाद अब नीचे आना है। अब यहाँ से चेक करना है अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन बंद रहेगा तो उस ऑप्शन को चालू कर देना है। देखिए सभी ऑप्शंस हमारे फ़ोन में पहले से ही चालू है। इतना चेक करने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर। अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकेंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट या रिबूट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा, इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। फिर जब भी कॉल आएगा तो मिस्ड कॉल शो करेगा इस तरीके से। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।